फोर प्ले अर्थात काम क्रीड़ा कैसे करें और उसके 10 अलग अलग टिप्स अभी मैं दे रहा हूं, तो उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। फोर प्ले बहुत ही जरूरी है सेक्स में, और वो यदि आपको ठीक ढंग से आता है और ठीक ढंग से आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ बहुत बेहतरीन हो सकता है। आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फोर प्ले करना बहुत ही जरूरी है, और ये बार बार मैंने अलग अलग वीडियोस में, मेरे अलग अलग भाषणों में बताया हुआ है। कोई भी सेक्स जब आप करते हैं तो उसमें 3 पार्ट है, एक है फोर प्ले पूर्व क्रीड़ा, फिर है क्रीड़ा मतलब इंटरकोर्स, और फिर है आफ्टर प्ले मतलब इंटरकोर्स होने के बाद में आउट प्ले या आफ्टर प्ले होता है, पश्चिम क्रीड़ा, पूर्व पश्चिम और बीच में इंटरकोर्स, इस तरह का पूरा रहता है। और ये कंप्लीट जो एक्ट है, ये कंप्लीट एक्ट आपकी 5 से 24 मिनट तक चलती है। एवरेज में मालूम पड़ा कि ये 12 से 13 मिनट लोगों की चलती है। फोर प्ले का महत्व इतना है कि बहुत सारे स्टडीज में यह बताया गया, औरतों को पूछा कि क्या आपको कौन सा इंटरकोर्स अच्छा लगा। पहला इंटरकोर्स कि जिसमें दोनों साथ में सोए, लिंगा योनि में प्रवेश हुआ, इंटरकोर्स किया, बाजू हो गए। दूसरा फोर प्ले किया, इंटरकोर्स किया, बाद में बाजू हो गए। तो 98% औरतों ने बताया, 100 में से 98 उन्हें बताया कि हमको फोर प्ले करने के बाद में जो इंटरकोर्स हुआ या फोर प्ले के साथ में जो इंटरकोर्स हुआ वो सबसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और उसमें हम इंटरेस्टेड हैं। इतना फोर प्ले का फायदा है। अब फोर प्ले जो है वो मानसिक और शारीरिक दोनों फायदे देता है। मानसिक क्या होता है? मानसिक फायदा ऐसा होता है कि जब आप फोर प्ले करते हो तो फोर प्ले में मतलब पूर्व क्रीड़ा या पूर्व काम क्रीड़ा, तो उसमें क्या होता है कि डोपामिन सेरोटोनिन लेवल, ये जो हैप्पी हार्मोन्स है, इसका सिक्रीशन ब्रेन में होता है। जब वो ब्रेन में सिक्रीशन होता है तो नेचुरली आपको कॉन्फिडेंट आपको फील होगा, आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा, काफ़ी सारा उत्साह आएगा और आप रिलैक्स भी हो जाएंगे, मतलब जो स्ट्रेस है टेंशन है वो दूर हो जाएगा। तो उसका बहुत अच्छा मानसिक फायदा होता है फोर प्ले का। नंबर दो, शारीरिक फायदा भी होता है। फोर प्ले में होता क्या है कि फोर प्ले में जब यह सेक्स हार्मोन्स एंड हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं तो उससे खून की जो धमनियाँ हैं मतलब रक्तवाहिनी जो है, तो वो रक्तवाहिनी जो है मतलब ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन्स, और फिर उससे पेनिस में मतलब लिंग में ज़्यादा ब्लड फ्लो बहने लगता है जिससे लिंग में कठोरता अच्छी आती है, इसलिए फोर प्ले जरूरी है। अब ये कारण जो है फोर प्ले के दोनों भी, तो ये तो मैंने बताया, अभी आपको देखना है कि फोर प्ले करना कैसे है। तो कोई भी इंटरकोर्स जो है वो भी मैंने पहले बताया हुआ है कि भाई इफ़ यू प्लान द इंटरकोर्स, प्लानिंग किया तो अच्छा रहता है। प्लानिंग मतलब भी पहले ही आपने आपके पत्नी को बता दिया, आप समझो ऑफिस में है या कहीं बाहर है, फ़ोन करके बता दें कि आज रात को करना है, मतलब प्लान कर रहे हैं आप, कॉल करके बता रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे उसको भी एक्साइटमेंट आना शुरू हो जाता है, वो भी तैयार हो जाती है, उसको मालूम रहता है कि आज करने का है, और फिर एंड टाइम पे उसका मूड नहीं है, फिर आपका मूड खराब हो जाता है, ऐसा होगा नहीं। देखो, शादी के पहले आप डेट पे जाते थे, डेटिंग करते थे तो प्लानिंग करते थे ना, फ़ोन फान करके पहले टाइम लेते थे, बस वैसे ही शादी के बाद में भी करना है तो कॉल योर वाइफ, नंबर एक। नंबर दो, जब भी आप जहाँ भी सेक्स करते हैं घर में तो वो जगह एकदम साफ सुथरी क्लीन होना चाहिए, बेड क्लीन है, बेड शीट्स क्लीन है, तकिया नीट एंड क्लीन है। और आप जब भी कभी सेक्स करते हो तो अलग अलग बेड शीट्स का इस्तेमाल आप करते हैं रंग बिरंगी, तो उससे भी अच्छी उत्तेजना आती है। स्पेशली रेड कलर का जो है बेड शीट, रेड लाइट रेड, तो वो ज़्यादा उत्तेजना देता है। तो क्लीन स्पेस होना, साफ सुथरी स्पेस होना, बेड क्लीन होना, तो उससे भी आपको फायदा होगा। तो पहला है कि भाई वाइफ को बुलाना, नंबर एक, बोल के फिक्स टाइम करना, शेड्यूल योर फोर प्ले, नंबर एक।
नंबर दो क्लीन द स्पेस, नंबर तीन आपने बॉडी स्प्रे मारना है, तो बॉडी स्प्रे मारना है तो स्नान करके बॉडी स्प्रे मारना है, दोनों को भी, दोनों ने भी स्नान करना है, और हो सकता है कि स्नान आप दोनों साथ में करें और बाद में फिर बॉडी स्प्रे मारे, तो उससे भी काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट बाद में आता है, नंबर तीन। नंबर चार आपने डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि भाई जब आप सेक्स करेंगे तो बच्चे आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो वो आपने प्लानिंग किया है कि बराबर बच्चे डिस्टर्ब ना करें, टीवी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, किसका फ़ोन आने वाला है या फ़ोन कॉल्स आते हैं तो फ़ोन आप साइलेंट पे कर दो या ऑफ़ कर दो या एरोप्लेन मोड पे डालो, कोई गेस्ट आने वाला है क्या, कोई आने वाला है और वो क्या होता है कि नहीं दो घंटे बाद आने वाला है वो जल्दी आ जाता है, शांत जगह है कि नहीं, साइलेंट प्लेस, तो ऐसा आपको सब तरह से देखना पड़ता है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, शांत दिमाग। पांचवा है कि शारीरिक ज़रूरतें जो है उस समय नहीं होना चाहिए। तो शारीरिक ज़रूरतें मतलब क्या है कि भाई आपको बहुत भूख लगी है, पेशाब लगी है, लेटरिन लगी है, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और पसीना पसीना हो रहा है, अनकम्फर्टेबल है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्यास लगी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पांचवा जो आइटम है वो शारीरिक ज़रूरतें आपकी वहाँ नहीं होना चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर एक शेड्यूल योर सेक्स, कॉल योर वाइफ, नंबर दो स्पेस जो है वो क्लीन एंड नीट एंड एवरीथिंग, नंबर तीन स्नान और बॉडी स्प्रे दोनों ने करना है, नंबर चार अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, बच्चे टीवी फोन कॉल सब, नंबर पाँच शारीरिक ज़रूरतें पूरी करके बेड पर जाना है, नंबर छः आपने डीप किस से चालू करना है, किसिंग, और वो लिप्स का है, ब्रेस्ट का है, गाल का है, होंठ का है, कान का है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दोनों को भी आता है। नंबर सात आप दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल जो जहाँ भी मसाज करना है, प्रेस करना है, ब्रेस्ट है, जहाँ भी करना है तो वो दोनों हाथ आपके फ्रीली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों हाथों का भी इस्तेमाल आपने करना है। नंबर आठ कुछ तो भी नया करें, नया करें मतलब ऐसा है कि आप जगह बदल सकते हैं, कभी स्नान करते करते बाथ टब है तो उसमें सेक्स हो सकता है, या कभी सोफे पे कर दिया, कभी पोजीशंस अलग अलग कर दिया, तो कुछ हर बार नया करना है, तो उसमें फोर प्ले भी आप नया लाते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नंबर नौ रोमांटिक बातें आपने करना जरूरी है, रोमांटिक बातें आप करते हैं, रोमांटिक सीन्स देखते हैं, रोमांटिक वीडियो देखते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा फायदा होता है। नंबर दस आप मसाज करें, दोनों हाथ जो है इसका इस्तेमाल आप मसाज करने में लगा सकते हैं, मसाज करने से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है। ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वैसे ही जो शोल्डर्स है सेंसिटिव होते हैं, और फिर फोरप्ले में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और एक्साइटिंग जो जगह है वो है क्लाइटोरिस, तो क्लाइटोरिस का आप स्टिमुलेट करते हैं, टिकलिंग करते हैं, उंगली से टिकलिंग करते हैं या लूब्स लगा के टिकलिंग करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। क्लाइटोरिस का स्टिमुलेशन जब आप करते हैं तो डोपामिन सेरोटोनिन सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इस्ट्रोजन का सिक्रेशन, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और उससे एक्साइटमेंट काफ़ी औरतों को आता है, इसलिए क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करना 5 मिनट से 10 मिनट तक बहुत ही ज़रूरी है। फिर आप वजायना में योनि में इंसर्ट कर सकते हैं और फिंगरिंग कर सकते हैं, और अंदर जी स्पॉट रहता है, जी स्पॉट मतलब ऊपर के बाजू में अपर वॉल वजायना का, योनि का अपर वॉल जो है वहाँ जी स्पॉट रहता है, तो वो जी स्पॉट जो है कि जहाँ एक ऐसी जगह है, एक सेंसिटिव जगह है कि जहाँ ब्लड वेसल्स ज़्यादा रहते हैं, ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है और बहुत एक्साइटमेंट वहाँ आती है, तो जी स्पॉट को भी आप स्टिमुलेट करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आता है। तो ये ना भूले कि जी स्पॉट को करना है स्टिमुलेशन और क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करना है, ये भी आप करते हैं और ये टोटल फोर प्ले आप करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा अनुभव दोनों को भी आएगा, और कभी आपको आपकी पार्टनर सेक्स के लिए ना नहीं बोलेंगी। होता क्या है कि ये फोर प्ले करते नहीं है, सिर्फ इंटरकोर्स होता है, उसमें औरतों को जितना चाहिए उतना एक्साइटमेंट मज़ा आता नहीं है, उसके पहले ही आदमी का यदि डिस्चार्ज हो गया तो औरत वैसी ही अधूरी रह जाती है, और फिर वो दूसरे टाइम उसको करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहता है कि उसको लगता है कि मुझे तो मज़ा आ ही नहीं रहा है, मुझे तो बीच में ही छोड़ दिया गया, तो वो अनुभव आएगा नहीं, और डेफिनेटली आपका सेक्स लाइफ बहुत ही अच्छा
और आनंददायी रहेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। मेरा मकसद है कि हमारे देश में लोग इसके बारे में बहुत ही अनजान है, उनको मालूम नहीं है, अज्ञानी है, और इसके बारे में बातचीत नहीं होती है, इतनी खुली कोई बात करता नहीं है, और फिर लोग सीखते हैं पॉर्न वीडियोस देख के। तो ये कम से कम एक एजुकेशनल चैनल के माध्यम से लोगों ने ये सीखना चाहिए और साइंटिफिक सीखना चाहिए, ताकि लोग सक्सेसफुल जिंदगी, सक्सेसफुल हैप्पी सेक्स लाइफ जी सके। सो थैंक यू वेरी मच, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।